तो नहीं है सर, तो हम कहाँ पर वोट देंगे? नहीं राशन कार्ड है, नहीं आधार कार्ड है, नहीं सुविधे नहीं है सर। अब तो होते आनहर भी है हमारा, बारिश हो तो आप लोग कैसे रहते? हमारा तो सब पलानी उधिया गए रहे सर, एक खाली आंधी आये तो हमने आके देखे तो कोना पर से सब पलानी हमारे उधिया के होने नहर में चल गए। तेरा भरल बा सरकार सब चीज देता आ तेरा नहीं खाती केहू सरकार नहीं है आधार कर आवास नहीं कुछ ना राशन कार्ड नहीं मालिक मर गए चार गो लड़का लेके हम बनिहारी कर ले आ केहू पाँच गो रुपया ना दे की बुढ़िया के बाल बच्चा खा आ कोई नहीं खे कम निहार। सरकार की कितनी योजनाएं धरातल पर है आज मैं उसको दिखाना चाहता हूं आप सबों को। यहां पे ये लोग नहर है, नहर के किनारे ये बसे हुए लोग हैं, करीब यहां 5 साल से रह रहे हैं। यहां पे इन लोगों ने बताया कि हमारा आधार कार्ड बना हुआ है, वोटर कार्ड भी है, यहीं का एड्रेस दिया गया है। पहले ये कंडीशन देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला हुआ यह घर है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला हुआ घर है जो चारों तरफ आपको ये नदी के किनारे दिख रहा है। रहने का व्यवस्था इन लोगों का देख लीजिए, और ये उज्ज्वला योजना का सिलेंडर है, गैस सिलेंडर देख लीजिए, फ्री में मिल रहा है उज्ज्वला योजना से, वो सिलेंडर है उस पर खाना बनता है। अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, हर माताओं को बहनों को अब मिल चुका है उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर, अब उस पर हर माता और बहन खाना बनाती है और खिलाती है और परोसती है। देखिए कैसे ये घर का हालत देख लीजिए। आयुष्मान भारत से इन लोगों का कार्ड भी बन चुका है, 5 लाख का इलाज मुफ्त में होता है। और क्या क्या सुविधा मिला है इन लोगों को, इन लोगों से खुद मैं बात करता हूँ और ये लोग खुद बताएंगे अपनी व्यथा, और आप लोग सुनिए कि सरकार की जो योजना है वो कितना धरातल पर उतरी है और ये कहाँ के लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सुनील। सुनील जी, आप लोग जगह जगह देखते हैं कि नदी के किनारे, शहर टाउन में रोड के किनारे आप लोग रहते हैं ऐसे टेंट तंबू गाड़ के, आप लोग रहने वाले अस्थाई निवासी कहाँ? अस्थाई हम लोग को नहीं है कहूँ भी, हम लोग इसी तरह आदमी भागते भागते आकर यहाँ पर बसे मतलब हुए। पूरा जीवन आप लोग ऐसे ही कहीं घूम के बिताते हैं? हाँ, ऐसे ही मैंने हमने को गरीब, कुछ सरकार हमको कुछ मदद नहीं करती है। मतलब आप लोगों की जनसंख्या बहुत है, हर शहर में आप लोग दिख जाते हैं। हाँ। हर नदी के किनारे दिख जाए, कहीं भी खाली जमीन हो वहाँ टेंट तंबू के ऐसे रहते हैं। ऐसा क्यों? जगह जमीन नहीं है? जगह जमीन नहीं है, उसी पाके मैं यहाँ पर ठहरा हुआ। आप लोग का जाति कौन सा है? जाति हम लोग का कंजर बोलता है, धुरी या गुड़। अच्छा। हाँ, आप लोग लोढ़ा सील हम लोग बेचते हैं। मतलब वो खाना पीना कैसे आप लोग, भोजन खाना पीना हम लोग लौना तुर कर लाते हैं तब चूल पर बनता है, नहीं तुराता है तो नहीं बनता। अच्छा। हाँ, हम लोग को यही दिक्कत है। गैस सिलेंडर नहीं मिला? गैस सिलेंडर हमको नहीं मिला है। आवास नहीं मिला? ना। 5 लाख का आपको मिला है आयुष्मान भारत? ना, कुछ नहीं मिला। आपका आधार कार्ड है? पहचान पत्र है। कौन सा आधार कार्ड है कि वोटर कार्ड है? आधार कार्ड है सर। आधार कार्ड है। वोट देते हैं? ना, वोट हम देते हैं। वोट देते कहाँ देते हैं? वोट देते हैं हम करबाला जाकर। करबाला कहाँ? उधर बड़हरिया के साइड में करबाला बाजार, वहीं पर। अच्छा, वोट वहाँ पे जाके देते हैं, बड़हरिया सिवान जिला में। हाँ हाँ। और आप लोग ऐसे ही घूम के अपना जीवन व्यतीत कर देते हाँ, हैं? हाँ, हम लोग इसी तरह घूमते हैं। अब सरकार हमको कुछ नहीं देती है मदद। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भेजते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं भेजते हैं। हम लोग को तो अपने कमाने का सुविधा नहीं है तो कहाँ सरकारी स्कूल है ना, सरकारी स्कूल में भेजते हैं। तो सरकारी स्कूल में कैसे भेजेंगे, जब हम लोग को कोई दिक्कत होता है, हम लोग वजन होता है, उसी के लिए हम लोग नहीं भेज रहे हैं। हम लोग चल जाते हैं सब कमाने के लिए, बच्चा सब है तब रोता गाता है, उसको मैं बजा के कैसे ले लूँ, यही दिक्कत है। उसी लिए मैं स्कूल नहीं भेज रहा हूँ इसी गज में। आपका नाम क्या है? उर्मिला। अच्छा, यहाँ पे आपका आधार कार्ड बना हुआ है? ना, पहचान पत्र बा। वोटर कार्ड? हाँ। वोट देती हैं? हाँ, करबला। करबला,
यहाँ पे आप लोग कितना दिन से है? हो गए 3-4 बरस। 5 साल? 5 साल ले हो गए। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर नहीं मिला है? ना। सरकार की कितनी सुविधा आप लोगों को मिलती है? तो सरकार जब दी है सरकार तब तो हमने के कहल जे सरकार जब नाम ले तो कहां से कह दे कुछ लोकते नहीं का नंबर के का नंबर है धुरंधर जी का सुविधा मिलल बस हमारा कुछ सुविधा नहीं है सर। और दो दे आनहर भी है हमारा परिवार के दोनों आंख से लोकत नहीं है सर। और हमारा गोपालगंज में इधर आइए डंडरी में आइए इधर आइए कह रहे हैं कि हम लोग को इलाज कराना है तो वो कहे कि सरकारी अथी लाइसेंस है आधार कार्ड है राशन कार्ड है तो सर वो हमारा हिले नहीं है तो हम परिवार को कैसे दिखाएंगे? राशन कार्ड नहीं है ना हमारा कुछ नहीं राशन नहीं मिलता है ना कोई का नहीं मिलता है सर है? कोई का नहीं मिलता है यहाँ पर हम लोग रहने 10 बरिस हो गया। आप लोग सोचिए और विचारिए कि ये गरीबी कैसे दूर होगी। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी का 75 साल हो गया है, लेकिन गरीबों का हालत क्या है आपके सामने है। ये देखिए इन लोग का जनजीवन, ये लोग कैसे रह रहे हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसे रह सकता है? ये गरीबी कैसे में सरकार का दावा है कि हम इतना आवास दिए, इतना राशन फ्री में बाँट रहे हैं, इन लोग का राशन भी नहीं मिल रहा है। वोटर कार्ड आधार कार्ड नहीं है, किसी का है किसी का नहीं है। आवास का हालत देख लीजिए, अगर बारिश आ जाए तेज तूफान आ जाए तो ये लोग कैसे रहते होंगे यहाँ पे? कैसे रह बाबू, अगर तेज बारिश हो तो आप लोग कैसे रहते? हमारा तो सब पलानी उधिया गए रहे सर, एक खाली आने आए तो हमने आके देखी तो कोना पर से सब पलानी हमारे उधिया के होने नाहन में चल गई। आज सरकार के होना देखला कि का गरीब के बा कि नहीं के कहाँ से खाता कहाँ से पियता का कर लिए आप रोजगार खोल जाता तो सिलवट जहाँ पे आप लोग देने जाते तो हमारा कुछ तो नहीं है सर। तो हम कहाँ पर वोट देंगे? नहीं राशन कार्ड है, नहीं आधार कार्ड है, नहीं आधार कार्ड है। चार लोग बताया कि हम लोग वोट ना तो वहाँ लोग को यहाँ घर नहीं है जो बोले हैं तो वहाँ करबला पर घर है। अच्छा। हमारा घर तो कहूँ नहीं है, नहीं हमारा जमीने है, एक भी तक जमीन नहीं है। हम खाना ना जमीन है ना घर है ना दुआर है ना राशन कार्ड है ना वोटर कार्ड है। तो आप लोग रहते कैसे हैं? तब तो आपको नहर पर तब तो आपको सरकार निकाल देगी कि आप यहाँ के स्थायी निवासी हाँ। नहीं है। जब सीए एनआरसी लागू होगा तब हाँ। तो आपको निकाल दिया जाएगा देश से हाँ। तो हम लोग को सरकार तो कहाँ दे है, सरकारों नहीं दे रहा है लोग गरीब आदमी को, तो हम क्या करें बताइए ना। इधर आइए, ले आइए, इधर ले आइए। का नंबर है? हमार मीरा। एज कितना दिन से रहे? हाँ हमारा तो राहत हो गई जानते 15-16 साल। आ हमनी के तो कुछ नहीं खे ना खाए के ठीक बना सूते के ठीक बा तेकरा बा तेकरा भरल बा सरकार सब चीज देता आ तेकरा नहीं खे ओकरा खातिर केहू सरकार नहीं खे आधार कर आवास नहीं खे मिलो ना पैसा नहीं खे मिलो कुछ ना राशन कार्ड नहीं खे कुछ ना गैस सिलेंडर मिलल फिर कुछ ना मिलते ने बनते ने तले राशन मिल जाइए कहाँ मिलता आग तो लागत तो कोई देख ओदे साहब ओदे हमार मालिक मर गेलो 4 गो लड़िका लेके हम बनिहारी करी ले आ केहू 5 गो रुपया ना देल कि बुढ़िया के बाल बच्चा खा आ कोई नहीं खे कम निहार आ ओकरा खातिर सरकारे नहीं खिलो वह धनी के लगे रही तो 5 लाख दे दी तो लोग के चला दे दी हेलने से एक आदमी मर गए नहीं के घर हमें पाना। अच्छा बिजली से मर गए? हाँ गिर गया था हाँ हे तो लकड़ी तुरे गए रहने तो वहाँ बड़का पुल के ओने वो जा दौरे पर साफ हो गई छोट छोट लड़का बाड़ सा दूगो बेटा बाड़ सा दूगो बेटी बाड़ सा छोट छोट बनिहारी कह के केहू ना उ लोग कह लो कि ले जा उनका के दा परवाह कह दी हो तो मानता नहीं कि केहू में छोहल तो 200 देहल 100 रुपया देहल 50 रुपया देहल 25 रुपया देहल आ कोई 1 रुपया ना देहल तो हम कौन चीज खाती बा तो अमीर तक भरब लो वही खातिर सरकारो मुँह आता लो आ तक नहीं खे ओकरा खातिर कुछ नहीं खे पढ़ा भेजी ले लगन के अब होइए नहीं के पैसा तो हम कहाँ भेजी खाए के एक सरकारी स्कूल में एक बेरा खाई ले एक बेरा उपास पढ़ी ले तो हम कहाँ से भेजी केकरा ऊपर भेजी के कमा के देवे वाला बा
कोगो लइका बड़ा सर दुगो बबुआ बड़ा सर दुगो बहनी बड़ी सर छोट छोट बाले हां देख लीजिए यहां का स्थिति। आप लोग बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के नेताओं को, देश के जो बड़े बड़े मंत्री हैं संतरी हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं कि हमने ये किया हमने वो किया, चाहे कोई भी सरकार हो, ये लोगों का तो सबसे पहला और मूल होता है रोटी कपड़ा और मकान। मूलभूत आवश्यकता जो है तीन ही है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन ही चीज़ नहीं है। शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए, ना घर है ना खाने को है और ना मकान है ना कपड़ा है। कपड़ा का स्थिति इन लोगों का देख लीजिए, इन तीनों में कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। ये देश की हालत है जो बिल्कुल जमीनी हकीकत है, मैं आप सबों को दिखा रहा हूँ और आप सब देखिए और विचार कीजिए कि यह भारत किस तरह अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश, आपको मालूम है कौची का ना चिड़िया का नाम मालूम बार हुआ ना, कुछ नहीं है मालूम। देश में कब का होता है कुछ मालूम रहे ला ना। जब पेट में खाही के नहीं खे तो मालूम कहाँ से हो, जब रहे के घर नहीं खे तो देश में लोग मुँह जियो वैसे क्या मतलब, कौन मतलब के जीतता के हारता देश में लोग वैसे कौन मतलब। वोट खातिर कहला हमारा में दियो आ हम जीताए हम तारा के देव आ वोट में दिया जाता है तो केहू के केहू पूछते नहीं के गरीब आदमी के गरीब आदमी के केहू नहीं खेत इतना राशन केहू नहीं खे दे तब के वोट दिया हेले नहीं के सब जोड़ गए। इन नेताओं को मैं क्या बोलूं, अगर आप लेते हैं तो इन लोगों का विकास करना, इन लोगों को सारी सुविधाएं देना आप सब नेताओं का काम है, लेकिन यहाँ तो केवल अपना एक बार जीत जाना है और जीत के अपने एसी वाले रूम में बैठकर और भाषणबाजी करना है। भाषण तो इतना देते हैं कि लगता है कि अब जैसे आसमान में बादल गरजते हैं और बारिश होती है उस तरह जब इलेक्शन आता है तो लगता है कि एकदम अब विकास की नदी बहने वाली है और सारे गरीब दहा के नहर पर चले आने वाले हैं। और आ ही गए हैं, आ गए हैं कि नहीं आ गए, ये रहने का कोई जगह है ना, हमारा तो एक भी तक कहूँ जगह नहीं है। लोग एजी से भी तो कहा था कि हटो हटो तो हम गरीब आदमी कहाँ जाए का हटा। हाँ अच्छा, तब ए जे हमारा ना घर बना द्वार बना जगह ना जमीन बा तब गरीब आदमी कहाँ रही नहरवा के लिखा लबा कि हटा होता के कर लो खेत वाला जे को आगे बा पीछे बा को दे जे हट जा लो ओ लो खेत वाला लोग ना तब। हां कितना आदमी को तक ये जे हट जा। अच्छा तब सर हमने केने केने रहे गरीब आदमी हमारा कहाँ बा खेती बाड़ी है ले नहीं खाली सिलवट जान टूंगले छ मुख्य जन पैसा बार वाला को सिलवट बेचे। हाँ बस वह हमने के बिजनेस बा दोसर बिजनेस नहीं के खेती बाड़ी है ले नहीं के वो हमने के जोते बोए के ढोंगे नहीं के। अच्छा बाप दादा खेती गृहते कोई ले नहीं के तो हमने से कहाँ से हुई माने रवा लोग पूर्वज रहे वो यहीं घूमिए के जीवन बिता दी। हाँ रवा लोग घूमिए के जीवन बिता दी। हाँ आवे वाला भविष्य जन बा वो घूमिए के जीवन बिता दी एकदम सब। अच्छा हमने कुछ हेले नहीं खे सर रोड जानब की मजाक करता हमारा कुछ नहीं खे खाली खाली हमारा ये तो नहर पर आसरा बा कि हम बस खा माने हम ऐसा जीवन भर वाला नहरा नहरा घूमब। हां नहरा नहरा घूमे नहीं सर। अच्छा हमने का बाप दादा ना कर ना हमनी ये करब सर खाए के तो ठीक है नहीं थे तो कहां से जगह जमीन हुई आ कोई आधार कार्ड बनाते नहीं थे कोई राशन कार्ड बनाते नहीं थे कितना वीडियो बन के गए का कर ले गरीब आदमी बानी सर बनिहारी को आदमी खाता जियता एक एक खाती तो सरकार के आंखें नहीं थे नहर पर आदमी आए जे नगदे दिन से बसल बा कोई हमने का पूर्व पे कागज नहीं थे 10 साल 15 साल हो गए हमने के छोट छोट बच्चा बसन आदमी कमा के खियावत है मजदूरी करता दिन आदमी जाता फेरी करला कमाला मिलेला तो आदमी खाला न तो चुपचाप अपना झोपड़ी में आराम करेला तो एक खातिर तो गरीब खातिर कोई नहीं खे अमीर खातिर तो दुनिया बा गरीब के यहू जा बात नहीं खे हमने के यहू जा से विदाई बा।
यही से भागा बज जाता है एहू जैसे बात जेकर खेत बा ना हटाई हाँ। दस दिन के अंदर में हमने जइबे करी दस दिन के बाद एहू जी सर वाला भाग एहू जैसे हमने का विदाई फिर कहां जाए हम एने जहां जब बाप दादा के नहीं खत्म जहां मन करता हां जाई कोनो ठीक बा कहां आदमी जाई कहां ना जाई जब अपन होइले नहीं खत तो कहूं आदमी जाई ये कंडीशन है। अब ये लोग बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज भी घूमते हुए ज़िंदगी बिताए हम भी बिता रहे हैं यहाँ से भी दस दिन के बाद हम लोग हट जाएंगे इसलिए कि बगल में जो खेती बाड़ी वाले लोग हैं जिनके पास खेती बाड़ी है वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग हट जाइए। पता नहीं वो खेत वालों का ये बांध जो है ये गवर्नमेंट का है या कि उन खेत वालों का है ये भी पता नहीं। अब ये इन लोगों को भी पता नहीं कि अब यहाँ से हटेंगे तो कहाँ जाएंगे और सरकार जो है बिल्कुल चुप है गुंगी बहरी है। आपको हर शहर में हर गांव में आप लोग दिख जाएगा कहीं सरकारी ज़मीन होगा वहां पे ये लोग टेंट तंबू गाड़ के रहते हैं और ऐसे अपना जीवन यापन करते हैं और अपना जीवन बिता देते हैं। मैं इसलिए दिखाया ताकि आप लोग ये देखें कि सरकार की योजना किन लोगों को मिलती है कितने उसके लाभार्थी हैं और इन लोगों का क्या हालत है कितना दयनीय स्थिति में ये लोग रहते हैं और अपना जीवन बिता देते हैं उड़ा जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं और फिर आने वाले जो भविष्य के बच्चे हैं वो लोग भी ऐसे ही घूमकर अपना समय व्यतीत कर देंगे बिता देंगे। ना पढ़ाई है ना लिखाई है ना घर है ना द्वार है ना इन लोग का मूलभूत आवश्यकता जो तीन चीज़ है मैं आप लोगों को बताया वही नहीं है तो बाकी और मैं क्या आप लोगों को बताऊं। आप लोग देखते रहिए गांव गली न्यूज़ एक सच। धन्यवाद।